हिसार के नलवा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार रणधीर पनिहार ने कहा कि नलवा विधानसभा क्षेत्र के लोग मुझे अपना पारिवारिक सदस्य मानते हैं, ऐसे में मुझसे ज्यादा मेहनत तो इस चुनाव के लिए नलवा विधानसभा क्षेत्र के वोटर्स कर रहे हैं। रणधीर पनिहार से खास बातचीत की टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने आपको दिखा रहे हैं। हिसार के नलवा विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रणधीर पनिहार अपने चुनाव प्रचार को तूफानी रफ्तार दिए हुए हैं। एक एक ढाणी तक पहुंचने की कोशिश वो कर रहे हैं। रणधीर पनिहार इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। रणधीर जी, ढाणियों तक पहुंचना अपने आप में उम्मीदवारों के लिए चुनौतीपूर्ण बना रहता है क्योंकि समय की कमी रहती है। एक एक ढाणी तक पहुंचना, एक एक वोटर के दरवाजे तक दस्तक देना, चाहते क्या है? ढाणी नहीं, मेरे परिवार ही है और परिवार में मेरी आदत है कि मैं कभी किसी ढाणी में, कभी किसी गांव में, रूटीन में जाता हूं। मेरे लिए ये चुनाव के लिए स्पेशल कोई बात नहीं है और मुझे ऐसा लगता है मैं मेरे परिवार में बैठा हूं। मुझे खुद तो हर घर में जाना ही नहीं पड़ता है, सब लोग खुद ही जाते हैं वोट मांगने। ये नलवा विधानसभा क्षेत्र में कुलदीप बिश्नोई का आपके चुनावी प्रचार में उतरना कितना फायदेमंद साबित हुआ है? कुलदीप बिश्नोई का अपना परिवार है और वो आज सैनी चौधरी भजनलाल के समय से लेके आज तक लगातार दुख सुख में या आपस में इनका आना जाना, हर तरह का पारिवारिक और व्यवहारिक तौर पे आपस में इनके ऐसे रिश्ते हैं जो बड़े गहरे हैं और मेरे से भी ज्यादा गहरे रिश्ते इन सब साथियों के हैं। इसलिए चाहे कुलदीप जी का खुद का चुनाव हो, चाहे मेरा चुनाव हो, चाहे वो जसमा जी ने लड़ा, चाहे किसी ने भी चुनाव लड़ा, उन घर से हमेशा ये लोग अपने आप को कुलदीप बिश्नोई समझ के वोट मांगते हैं। कांग्रेस पार्टी में टिकटों के बंटवारे के बाद से तूफान की स्थिति इस वक्त बनी हुई है। तूफान कहीं नलवा विधानसभा क्षेत्र में आपके लिए भी फायदे का सौदा साबित हो सकता है? देखो, चुनाव चुनाव होता है, लोकतंत्र में कोई तो चुनाव लड़ेगा, वो फायदे नुकसान उस पर जो ना गंभीरता से मैं ऐसे विचार नहीं करता, क्यों नहीं करता। हमारे तरफ हमारे जो साथी हैं वो ऐसे पक्के साथी हैं, जो सामने कोई आए, कितने लोग आए, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए ये सारे के सारे साथी खुद अपने आप को रणधीर पनिहार समझ के ही चुनाव लड़ते हैं। हमें ऐसा कुछ नहीं, ना हमें तूफान की बात का पता, तूफान है या नहीं है कांग्रेस का हमें नहीं पता इस बात का। भारतीय जनता पार्टी के वोट तो आप इकट्ठा कर ही लेंगे, कांग्रेस पार्टी के लोग भी आपके नजदीकी रहे हैं, लंबे समय तक आप कांग्रेस पार्टी की राजनीति करते रहे, तो ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों तरफ से ही सेंधमारी चल रही है? अरे, सेंधमारी नहीं है, आदमी के व्यवहार व्यवहार होता है। चाहे वो किसी पार्टी में कोई आदमी रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा पारिवारिक संबंध है और जब पारिवारिक संबंध है तो वो साथी वोट जब डालते वक्त सोचता है कि अपने परिवार के साथी को वोट देता है, मैं इनका परिवार का सदस्य हूँ और भजनलाल जी को चाहने वाले बीजेपी की जमात, तब सब लोग मिल करके एक मजबूत हमारा संगठन है। चलिए, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नलवा विधानसभा क्षेत्र, वो साफ ही बात करें कि व्यक्तिगत संपर्क उनका इलाके के लोगों से हमेशा से बना रहा है, तो राजनीति में राजनीतिक दल की बात नहीं है, तमाम राजनीतिक दलों से जुड़े लोग अब व्यक्तिगत संपर्क की वजह से उनके साथ खड़े हैं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, नलवा हिसार।